समाज भी वैसे कई हैं, और आज से लगभग 25 वर्ष पहले पद्मावतीपुरी से एक मुक्तिपीठ विशेषांक में पूरी तारतम की प्रणालिका छापी गई थी। उसमें इस बात की बहुत अच्छी विवेचना की गई है। मैं सरल तरीके से उसको बता देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी चर्चा में दृष्टांत दिया है, जैसे एक मौसमी है, मौसमी का छिलका यदि नहीं रहेगा तो अंदर जिसको हम चूसते हैं, जो फाँकें होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। तो जो छिलका है वो समझ लीजिए सत्य है। जो परम धाम सच्चिदानंद में है तो जो सत्य होगा वो अखंड होना है। चिदघन और आनंद स्वरूप जब तक अखंड नहीं होगा तब तक उसमें राज्य की लीला शोभा का वर्णन संभव नहीं। इसलिए परम धाम की हर वस्तु क्या है, सत्य है। तो सत्य सब में व्यापक है, राज्य में भी सत्य है, सखियों में भी सत्य है, श्यामा जी में भी है, परम धाम का कण कण सत्य है। अब एक चीज आती है, दो चीजें हैं, आनंदंग और सतंग। जो आनंद का स्वरूप है उसमें भी सत्य तो है, लेकिन उसी सत्य के रस में, सत्य के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं दृष्टांत से दे दूं, दूध मीठा होता है लेकिन उसमें और मिठास शक्कर हम डाल देते हैं तो ज्यादा मीठा। जो सत्य है वो अविनाशी है और उसमें चेतनता है, और जो चिदघन स्वरूप ये सबका मूल, जिसे क्या है, मारिफत का स्वरूप जो राज्य का है, उनका दिल ही सत्य के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, उनका दिल ही आनंद श्यामाजी के रूप में कार्य कर रहा है, उनका दिल ही परम धाम के 25 पक्षों और 12,000 सिखों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, कण कण में वही क्रीड़ा कर रहा है। तो जब आनंद में उसके, जैसे मौसमी का जूस जो है चिदघन माना जाए तो उसका स्वाद जो है वो आनंद, प्रेम का रस आनंद। जैसे संसार में मोह का रस क्या है, दुख, उसी तरह से प्रेम का रस है आनंद। अक्षरातीत का जो हृदय है, विज्ञान जिसको कहते हैं, मार्फत जिसको वेद की भाषा में रित कहते हैं, परम सत्य, सत्य क्या है, अक्षर, परम सत्य क्या है, अक्षर। तो अक्षरातीत का हृदय एक तरफ सत्य को लीला में क्रियान्वित करता है, दूसरी तरफ आनंद को क्रियान्वित करता है। तो जब आनंद के अंग में अपना पूरा प्रेम का रस उड़ेल देता है, चिदघन क्या है, प्रेम, प्रेम में ही आनंद है, और वो प्रेम के लिए, प्रेम में सत्य भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नसुर श्रृंगार में एक प्रकरण आता है, क्यों न हो प्रेम, संसार में प्रेम क्यों नहीं होता, जिसे हम प्रेम करते हैं उसे वियोग हो जाता है, परम धाम में एक पल का वियोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, तो स्वाभाविक है कि प्रेम है। आप देखेंगे 25 साल के युवक युवती में एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव होता है, लेकिन जब वो 70-72 साल के हो जाते हैं, 60 साल के बाद, तो उनमें आकर्षण कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे का शरीर दिखने लगता है, उसमें कुरूपता आ जाती है। 80 साल की बुढ़िया से कौन भला लगाव रखेगा? क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, जहाँ सौंदर्य है, जहाँ प्रेम है, जहाँ अखंडता है, जहाँ निर्विकारता है, प्रेम तो वही रहेगा। इसलिए इस प्रकरण में एक बात बताई गई है कि परम धाम में ही प्रेम क्यों है, यहाँ क्यों नहीं। तो सत में तो अक्षरातीत ही सत के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं उसी सत में जब प्रेम क्रीड़ा करने लगता है तो वो आनंद का स्वरूप अलग दिखने लगता है। अब वो आनंद का जो स्वरूप है वो अपने सर्वस्व लुटाना चाहता है चिंतन स्वरूप का, जिसका प्रेम उसमें जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो क्रीड़ा रूप में अनंत सखियों का रूप धारण कर लेगा कि मैं अनंत रूपों में होकर के इस प्रेम के स्वरूप को ले जाऊं। वो जो आनंद का स्वरूप दिख रहा है वो कहां से निकला, राज्य के हृदय से निकला। अब उस हृदय ने अपने अनंत स्वरूपों को प्रकट कर लिया, जिसको हम इस संसार की भाषा में 12,000 से क्या करते हैं, वैसे 12,000 नहीं आनंद, क्योंकि आप परम धाम की चर्चा नहीं देखेंगे तो वाणी यही कहती है कि कोई भी हवेली, कुछ भी मंदिर, कोई खाली नहीं। तो ऐसा नहीं कि केवल मूल मिलाव में, पुखराज की हवेलियों की गणना कीजिए और मानिक पहाड़ की प्रथम भूमिका की, केवल हवेलियों में 14,40,00,000 हवेलियां होती, अब बड़ी रंग की हवेलियों की गणना कीजिए कितना होगा। तो हम इससे छुट्टी नहीं पा सकते कि वहाँ खूब खुशहालियाँ रहती है। खूब खुशहाली का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक आनंदमय, बहुत आनंद, आनंदमय कौन है, राज्य के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तो आप इस
परिक्रमा में जो हमें बताया गया है 12,000 भी मान लीजिए, मैं अनंत नहीं कहता हूँ, 12,000 भी मान लीजिए, तो उनकी अनंत खूब खुशहालियाँ प्रकट होती हैं। वो चाहती है कि मैं सखियों को रिझाऊँ, और खूब खुशहालियाँ का हृदय अनंत रूपों में प्रकट हो जाता है पशु पक्षियों के रूप में। पूरे पूरे परम धाम की सारी प्रकृति जो अक्षरती हम प्रकृत शब्द वहाँ प्रयोग नहीं कर सकते लेकिन समझने के लिए, पूरे परम धाम में जो कुछ दिख रहा है हर कोई अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है, राजी के लिए, श्यामा जी के लिए, सखियों के लिए, वहाँ की धरती, आकाश, एक एक आभूषण, वस्त्र, सभी क्या है, आत्मा के स्वरूप। एक अक्षरातीत जो परब्रह्म है उनके हृदय से प्रेम प्रकट हो रहा है, अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रहा है, और वह जो स्वरूप प्रकट हो रहा है वो अपना सर्वस्व को लुटा दे रहा है। सब में होड़ मची है कि कौन किसको लुटा दे, अपना किसके प्रति लुटा दे। तो इसलिए हम जब बुद्धि से उसकी विवेचना करते हैं तो कह देते हैं कि राज्य के आनंद अंत सतन उसमें अब अक्षर चेतन है, अखंड है, उनको भी प्रेम चाहिए, तो उस प्रेम का करुणा अंश अक्षर के हृदय में प्रतिबिंबित होता है जो केवल है। तो प्रेम तो अक्षर को भी चाहिए। अब सारी दुनिया अक्षर को ही अक्षरातीत समझती है, सबलिक को अक्षर समझती है, केवल को अक्षरातीत समझती है। सबलिक केवल से परे सत्स्वरूप है और इसके परे अक्षर अक्षरातीत ये तो दुनिया जानती ही नहीं। वेद में केवल संकेत कर दिया कि त्रिपाद उर्द उदयत पुरुषम, अर्थात सत्स्वरूप से परे परम धाम है, परब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, लेकिन कहाँ है वेद इस विषय में मौन है। तो तारतम की प्रणालिका में बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है कि राज्य के चिदगन स्वरूप में सत भी प्रतिष्ठित है, आनंद भी प्रतिष्ठित है, और सत में भी सच्चित आनंद, क्योंकि अक्षरातीत क्या है, हृदय का अंश करुणांश उसमें प्रतिबिंबित होगा, तो चित भी आ गया, आनंद भी आ गया। अब केवल का जो आनंद है सबलिक में कुछ अंश रूप में जाएगा, सबलिक का कुछ अव्याकृत में जाएगा, अव्याकृत का कुछ इस संसार में मोह सागर में आदि नारायण में प्रतिबिंबित होगा, और आदि नारायण के हृदय का कुछ जो प्रेम और आनंद है संसार के जीवों में पहले ऋषि मुनियों को, योगी यतियों को मिलता है, फिर उसके बाद संसारिक प्राणी में होता है। संसारिक प्राणी में तो प्रेम होता नहीं, वो तो वासना की अग्नि में जलते रहते हैं, तृष्णाओं में डूबते रहते हैं, मोह के जरूर शिकार होते हैं, प्रेम नहीं होता। जो नारायण के हृदय में प्रेम है वो अव्याकृत के प्रेम का करुणांश है, अव्याकृत में जो प्रेम है सबलिक के प्रेम का करुणांश है, सबलिक में जो प्रेम है वो केवल के प्रेम का करुणांश है, और केवल में जो प्रेम प्रतिबिंबित होता है वो राज्य के प्रेम का करुणवा अंश मात्र है। अब चिदघन मैंने कहा कि परम धाम का कणकण सत है, तो जो अक्षर के अंदर सत की लीला दिखाई दे रही है वो है सत का स्वरूप श्यामा जी में भी है और सखियों के अंदर, तो सखियों में भी चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप। राज जी ने क्या कहा है, तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सुख मेरे इश्क मेरे दिल। तो जितनी सखियां हैं श्यामा जी हैं, परम धाम का कणकण है, सभी क्या है राज्य के हृदय के स्वरूप, सबके हृदय में राज्य का प्रेम का क्रिया कर रहा है, प्रेम का रस है आनंद, प्रेम एक फल है तो आनंद उसका बहता हुआ रस। और जितनी लीला रूप सामग्री दिखाई दे रही है सखियां, खूब खुशालियां, 25 पक्ष, पशु पक्षी, ये सभी उन्हीं के क्रीड़ा रूप है, तो सबके अंदर सचित समाया हुआ है। इसको अपने तरीके से तारतम टलके में विस्तार पूर्वक देख सकते। जो वो चाहता है वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। राज्य को सुंदर सत क्या देना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, कोई सोने का महल बना देना चाहता है, कोई बढ़िया बागे दिला देना चाहता है, कोई बढ़िया भोजन कराना चाहता है, कोई कुछ से खुश करना चाहता है, ये करना चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राज्य सबसे पहले दिल चाहते हैं, वो देने के लिए को तैयार। हम अपना दिल पत्नी को देते हैं, पति को देते हैं, बच्चों को देते हैं, संसार को देते हैं, कहते जरूर है कि हमारा सब कुछ राज्य के लिए समर्पित है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जिस दिन हमारे हृदय का सारा प्रेम पहले राज्य के लिए जाएगा, पहले हमारे हृदय में धनी रहेंगे, उस दिन हमारी जागृत होने में एक पल की भी देरी नहीं है। दिल के हम उनके अंग हैं, तो राज्य तो हमसे केवल दिल चाहेंगे, ये ब्रह्मांड तो उनके सतंग की मात्र कल्पना मात्र, हम क्या दे सकते हैं उस अक्षरातीत अनंत ब्रह्मांड जिसके सतंग के इशारे से एक पल में बनते हैं और लय होना, उस अक्षरातीत को
यदि हम मंदिर में जाते हैं, 100 रुपये चढ़ाते हैं तो क्या समझते हैं? जैसे भीख मंगे को कुछ दिया जाता है, हम वही तो समझते हैं। 5,000 रुपये हमारे पॉकेट में होता है, उसमें से 100 निकाल करके दे देते हैं। यदि हमारे परिवार का व्यक्ति कुछ मांगता है कि 5,000 दे दो तो हम झिझक नहीं होती, लेकिन राज्य के लिए तो हम जरूर 10 बार सोचते हैं, अरे क्या दे करूँगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, आप देखिए 40 लाख हमारी सुंदर साहब की संख्या है। यदि 40 लाख सुंदर साथ प्रतिदिन राज्य के मिशन के लिए, देखिए हमारे घर का खर्चा प्रतिदिन, किसी का घर 500 का खर्चा होता है, सामान्य परिवार का भी, किसी का 1,000 होता है, किसी का ज्यादा ही होता है, किसी के घर 2,000 का भी पर डे का खर्च होता है। मैं ये कहता हूँ यदि सुंदर साथ राज्य के लिए समर्पित है तो प्रतिदिन राज्य के नाम पर 1 रुपया निकाले तो कितना होगा? 40 लाख। और 100 दिनों में आप सोचिए कितने करोड़ होते हैं, 1 वर्ष में कितनी रकम बनती है। उस प्लानिंग को लेकर यदि बड़े बड़े शिक्षा केंद्र बना दिए जाए, जहाँ वाणी के विद्वान थे, बड़ा बड़ा साहित्य जा, मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल में क्या कायाकल्प होगा, सारी दुनिया में वाणी गुज जाएगी, प्राणाजी में फैल जाएगी। लेकिन इस योजना पर क्या हम कार्य करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। हम जरूर मन में भाव आएगा तो कुछ पैसा दे देंगे, लेकिन हम अपना हृदय नहीं दे सकते। उस रेस्तरां से पूछिए जो यही कल्पना करते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो धरे ऊपर छत्र पुरंदर, मैं पत्थर भी बन जाऊं तो उसका पत्थर बनो जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया, जो खग है तो बसेरे करो मिल कालीन मुकुट कदम किनारे, पक्षी होने से भी उन्हें कोई गिला सिखवा नहीं, लेकिन वो यमुना के किनारे किसी वृक्ष पर निवास करने वाले पक्षी बनना चाहते हैं। आप सोचिए क्या वैसी भावना हमारी है? रसखान तो एक मुस्लिम है, वो कृष्ण के प्रेम में पागल है, हमको परम धाम का ज्ञान मिला और उनका प्रेम ऐसा हम लोगों की तरह वाणी पढ़ने के कारण नहीं हुआ। उनको एक किसी लड़के से बहुत प्यार था, किसी ने हंसी में कह दिया कि ये रसखान जिस उस लड़के से जितना प्रेम करता है, इतना प्रेम परमात्मा से करे, खुदा से करे तो इसका बेड़ा पार हो जाए। उनको बात लग गई, उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसी ने कह दिया कि वृंदावन में जाओ तो तुम्हें प्रेम की सुगंध मिलेगी, वहाँ देखते हैं कि कृष्ण की मूर्ति प्रेम के स्वरूप में देखे, उस मूर्ति पर ही दीवाना हो। आप सोचिए कई कई दिन भूखे रह जाते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई को उनके पास कर्मकांड नहीं है, उनको मंत्र नहीं जपना है। आज तो हमको सिखाया जाता है कि देखो ये मंत्र ही तुम्हें परम धाम पहुंचाए, मंत्र ज्ञान देता है, उस ज्ञान को हम आचरण में नहीं उतारते हैं तो केवल मंत्र कहने से, मंत्र के जप से या किसी नाम के जपने से कोई परम धाम नहीं पहुंचा, क्योंकि अक्षरातीत वाणी का विषय नहीं है। जब हमारा शरीर, हमारी चेतना शरीर से परे हो जाए, मन बुद्धि से परे हो जाए, तभी तो हमें वो गहन अवस्था प्राप्त होगी जिसमें हमारे आत्मचक्षु प्रियतम अक्षर अतीत को देखेंगे। यदि ये संभव होता तो हर कोई माला लेकर बैठ जाता, 2-2 करोड़ तारतम का पाठ कर लेता, सीधे परमधाम दिख जाता, लेकिन ये संभव नहीं। जो वाणी का विषय नहीं है वो ठीक है, राज्य अपनी कृपा से कभी भी किसी को दर्शन दे सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमें मानना पड़ेगा कि प्रेम में जब हम मन बुद्धि से परे हो जाएंगे, शरीर से परे हो जाएंगे, ब्रह्मांड से परे हो जाएंगे तो पूजा करेंगे। इसलिए राज्य हमसे केवल प्रेम चाहते हैं, अपना दिल देना चाहते हैं, मासू के मुहे मिल के करी सो दिल दे गुज, सो कहे पर उत्तर जो मैं पूछा तू। राज्य ने हमें अपना दिल दे दिया और दिल देने का कारण यह है कि श्यामा जी के अंदर बैठकर साली लीला है कि महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जब सारा सुंदर साथ अपने अपने घरों में आराम कर रहा था, एक एक आत्मा को जगाने के लिए श्री महाराज सूरत से चले, दीप बंदर से चले, पैदल चल चल करके 5,000 की संख्या के साथ पन्ना जी पहुंचते। उन्होंने धूप का कष्ट झेला, वर्षा का कष्ट झेला, शीत का कष्ट झेला, पैदल चले भूख से, किसके लिए? उन्होंने तो अपना दिल दे दिया, हमने अपना दिल नहीं दिया। हमको कहा जाता है कि हम 2 घंटे बैठ करके ध्यान करें, 90% का उत्तर होता है अभी समय नहीं है, बहुत काम है। 1 घंटे के लिए भी मैं समझता हूँ काफी लोग कह देंगे नानकुर कर,
जब हम इतना त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, धन कमाने के लिए हम 12 घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम कर सकते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हम कुल्लू के बैल की तरह काम कर सकते हैं, तो राज्य के लिए 2 घंटे समय निकाल नहीं सकते? क्या हम राज्य के प्रेम में कुछ समय डूब नहीं सकते? राज्य हमसे क्या मांग सकते हैं? उनको चाहिए क्या? उनके पास क्या कमी है? हम उनके दिल के अंग हैं, तो अपना दिल उनको उनको दे करके देखें, कुछ मिनटों के लिए दे दें। जिस क्षण हम अपना दिल देंगे, उसी क्षण हमारे हृदय में उनका प्रेम। लेकिन वैसे ही है जैसे सूरज उगा हुआ है और कोई खिड़कियां बंद करके शोर मचाता रहे कि रात है, सूरज तो उगा ही नहीं। सूरज तो उगा हुआ है, उस बेचारे ने खिड़की बंद कर रखी है। वैसे हम अपनी आत्मा के कानों की खिड़कियां बंद कर चुके हैं, आंखों की खिड़कियां हमारी पलकें बंद हैं, इसलिए अक्षर अतीत के प्रेम को समझ नहीं पा रही है। हम सांसारिक वस्तुओं से तोड़ना चाहते हैं। पाठ रख दिया तो 5,000 दे दिया, सबको आसान कराते फिर देखिए 5,000 राज्य को पाठ रख कर चुके। अब 5,000 किसका है? आप 1,00,000 की सेवा देते, 1,00,000 किसका है? हम ये तो भूल जाए कि आप किसके हैं। पहले तो ये याद रखिए आप किसके हैं। यदि आप राज्य के हैं तो हम तो पहले पत्नी के हैं या पति के हैं, या माता पिता के हैं, या सही सखी सहेलियों के हैं? क्या हम राज्य के पहले हैं? वेद के एक मंत्र में कहा गया है, वयम तो तुम अस्माकम, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। सचमुच जिस दिन हम राज्य के बन जाएंगे तो सबसे हम पहले अपना हम हृदय देंगे। जैसे राज्य ने हमें अपना हृदय दिया, हमारी आत्मा की जागृति के लिए वाणी दी है, हम उस पर कसूटी पर अभी नहीं खड़े। राज्य हमसे केवल प्रेम चाहते हैं और इस आपसे केवल दिल मांगते हैं। जैसे न्याय दर्शन का एक सूत्र आता है, हस्त अमलक अमलक पर, हाथ पर जैसे आंवला रखा जाता है, जैसे हाथ पर आंवला रखकर किसी को दिया जाता है, अपना दिल हाथ पर रख करके दे दीजिए, फिर देखिए राज्य आपके पीछे पीछे। कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को राज्य से बड़ा मानते हैं। राज्य ये नहीं कहते कि हम कर्मकांड हमारे लिए अनिवार्य ही है। संभव है हम भोजन करते समय राज्य को याद करके मन ही मन संकल्प करके भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भोग की चौपाइयां बोलें। जैसे हम खाने से पहले भाव रखें कि राज्य बैठे हैं, आपने उनके मुंह में डाल दिया या समर्पित कर दिया कि राज्य खा लीजिए, बस ये प्रेम चाहते हैं। सबरी ने राम को जब बेर सौंपे तो क्या कोई श्लोक पढ़ा होगा? कि सबरी के भावों को राम ने समझा, विदुर की पत्नी के भावों को कृष्ण ने समझा और उनके केले के छिलके खा लिए। उसी तरह से जब आप भोजन कीजिए तो राज्य को शुद्ध हृदय से युगल स्वरूप को भाव करके आप खिला सकते हैं। वही सबसे बड़ा प्रेम भरा। कोई आवश्यक नहीं कि आप खड़े होकर जैसे सवेरे की स्वरूप पढ़ना है, परिक्रमा करना। राज्य तो प्रेम के मुख हैं, वो मानसिक सेवा चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिसमें घर में आप सेवा पूजा नहीं कर सकते तो कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि शालिग्राम को, शिवलिंग को और फोटो को पूजने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता, यदि आपका परिवार का कुछ कई सदस्य कहता है कि आपको ये दुर्गा का चित्र है, मत्था टेकना ही पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं शालीनता पूर्वक अपनी बात कहिए कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करता हूँ, ये चित्र है, ये शिवलिंग की पूजा है, ये तो पत्थर का टुकड़ा है। आप शालीन भाषा में कह दीजिए कि जो एक सच्चिदानंद परब्रह्म है उनकी हम भक्ति करते ही हैं और वहाँ बैठ जाइए। यदि वो मत्था टेकने को कहते हैं तो मत्था मत टेकिए, हाथ जोड़ लीजिए अपने सामने, युगल स्वरूप को खड़ा कर लीजिए कि युगल स्वरूप है। चित्रों में तो कुछ नहीं रखा है, वो चित्र किसी के बनाए हुए। शालिग्राम नदी का बहता हुआ एकमात्र पत्थर है। लेकिन जब से इस देश के लोग सच्चिदानंद परब्रह्म को छोड़कर पत्थरों की पूजा करने लगे, शालिग्राम को, शिवलिंग को परमात्मा मानने लगे, तभी से इस देश का हिंदू तो गर्त में चला गया। आज बनारस की जानवी मस्जिद के लिए कितना विरोध चल रहा है, आखिर ये हालत ही क्यों? यदि ये हिंदू वेद पढ़ते रहते, वैदिक प्रक्रिया के अनुसार साधना करते रहते, घर घर में हवन करते रहते, तो मुसलमान क्यों तोड़ते? गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी। एक परमात्मा की भक्ति छोड़ने का ही नतीजा हुआ कि जगह जगह ये मंदिरों पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, लूटा। तो हमारी निष्ठा यदि राज्य के प्रति है, उस निष्ठा को कोई भी टिका नहीं सकता।
हम किसी भी परिस्थिति में यदि दबाव भी पड़ रहा हो तो हम मूर्ति के सामने खड़े होकर हम राज्य को याद करें, परिवार वालों को क्या पता कि हम किसको याद करें। हाँ, यदि जबरदस्ती किसी के घर में कई ऐसी सासुएं होती हैं जो जबरदस्ती अपनी बात मनवाना ही चाहती हैं, तो आंखें बंद करके अपने हृदय अपने सामने केवल राज्य को मानिए और राज्य को मत काटिए। किसी भी स्थिति में किसी भी शालिग्राम को, शिवलिंग को या फोटो को, देवी देवता के फोटो को मत काटिए। ऐसा है कि यदि विस्तार जानने के लिए विराट ये ब्रह्मांड रस पुस्तक लिखी गई है, उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनती है, 14 लोकों का, बृहद मंडल का, उसके बाद परम धाम का संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया है। सृष्टि बनने की प्रक्रिया को बहुत बढ़िया से दर्शाया गया है। इसके पहले हमारे समाज में जो किताबें थी जैसे सृष्टि विचार वर्णन, वो भागवत पुराण के आधार पर थी, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। जैसे 14 लोक के ऊपर अष्टावरण का वर्णन किया गया है, वो गलत है। इसे वैकुंठ तो सूक्ष्म लोक स्वयं है, उसके परे पृथ्वी लोक का आवरण, जल तत्व का आवरण, वायु तत्व का आवरण, ये कहना गलत है। पृथ्वी अग्नि और जल तत्व का आवरण वैकुंठ के ऊपर नहीं हो सकता। मान सकते हैं वायु तत्व और आकाश तत्व तो मान सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार को मान सकते हैं, लेकिन 14 लोकों के ऊपर पुनः पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व को मानना पूर्णतया गलत है। दूसरी बात, इसे दार्शनिक व्याख्या की जाए तो शेष साई नारायण और आदि नारायण एक है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार कहते हैं मोहसागर को। मोहसागर में जो सहन कर रहा है वही शेष साई नारायण, वही आदि नारायण। लेकिन भागवत में जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों को हमारा समाज ढो रहा है, वो शेष साई नारायण को पताल में बना देता है। पताल क्या है? पृथ्वी पर ही पताल लोक, पताल लोक कहीं अलग नहीं है। तो ये 14 लोक क्या है, इनकी विस्तृत व्याख्या जो है ब्रह्मांड रहस्य में दिखाई गई है, उसको देख लें। और जो वहाँ से पूरे विराट से लेकर अर्थात छर ब्रह्मांड से लेकर परम धाम का एक नक्शा भी सरसभा की तरफ से प्रकाशित किया गया है, उस नक्शे को भी देख लें तो सारी चीज समझ में आती है। ऐसा है, इस संसार में कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होती, पूर्ण केवल राज्य। और प्रेम एक अनंत सागर है जिसकी थाह नहीं नापी जा सकती। परम धाम में भी प्रेम को नापा नहीं जा सकता। प्रेम अक्षरातीत का हृदय, प्रेम बस एक पिया के चित्र। अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम की माप आज तक नहीं हो सके तो इस संसार में कैसे संभव है। हाँ, जितना हमारा शरीर झेल सकता है माया का तन, उतना प्रेम यदि हमें मिल जाता है तो कहते हैं कि हम पूर्ण हो गए। जैसे रसोई घर में बहुत सा भोजन पड़ा होता है, लेकिन जब हम खाते खाते संतुष्ट हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब पूर्ण हो गए, भर पेट भर गए। उसी तरह से प्रेम के अनंत सागर में से कुछ बूंदों से ही हमारा जी भर सकता है तो हम कह सकते हैं कि हमें पूर्ण प्रेम मिल गया। वास्तव में प्रेम की कोई सीमा हो नहीं सकती। तभी तो कहा है, ना ही कथने इश्क की और कोई कथी और जिन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सो। आगे कलश की उस प्रकरण में ये बात बार बार दोहराई गई है, हिसाब जो हद बेहद, न्यारा इश्क जो फिका जिन की आद। उसमें कहा है कि निराकार भी सीमाबद्ध हो सकता है लेकिन प्रेम कभी सीमा में नहीं आ सकता। इसलिए अक्षरातीत के हृदय को हम इतना कह दें कि बस इतना ही प्रेम है, ये संभव नहीं है। अपने अपने दृष्टिकोण से, अपनी अपनी क्षमताओं से हम प्रेम का केवल आकलन कर सकते हैं। तो राज्य का प्रेम पाने के लिए हम उसको पूर्ण कहें या अपूर्ण कहें, जितना प्रेम पाते हैं जिससे हमारा हृदय तृप्त हो जाए उसको हम अपनी भाषा में पूर्ण कह सकते हैं। लेकिन प्रेम तो अनंत है। जैसे हम गंगा जी में जाएंगे तो जितना हमारी सामर्थ्य उतना ही तो पानी गिलास में लेकर पी सकते हैं। सारी गंगा जी का पानी तो हम पीने की सामर्थ्य नहीं रखते। उसी तरह से राज्य का प्रेम पाने के लिए हमें चितवनी में डूबना होगा, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण के साथ। हमारी आत्मा जैसे जैसे उनकी शोभा को बसाती जाएगी, अपने को निर्विकार बन करती जाएगी, वैसे वैसे हमारे हृदय से माया का विकार निकलता जाएगा और हमारे हृदय में प्रेम की रसधारा आती जाएगी।
यह हमारे ऊपर करनी माफक कृपा। जितना हम राज्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे उतना ही हमें प्रेम का रसमान करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति जिसे मोतियों की वर्षा हुई हो उसके ऊपर है कि कितनी मोतियों को बटोर लेता है, वैसे हमारे ऊपर है जो महाकारण, जो खेल का महाकारण बना, मार्फत के स्वरूप की पहचान से समझ। हमने इसकी की मार्फत को नहीं जाना, निस्बत की मार्फत को नहीं जाना, वहदत की मार्फत को नहीं जाना, खिलवत की मार्फत को नहीं जाना। ये बताना ही सबसे बड़ा भेष था और उसके लिए खेल बनाया गया। जागने के ब्रह्मांड में यह वाणी दी गई। अब इस वाणी को तो हमने पा लिया, हम उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ करके आत्मसात कितना करते हैं, राज्य के प्रेम में कितना डूबते हैं, ये हमारे ऊपर है। जितना डूबेंगे उतने प्रेम का रस हमें प्राप्त होगा। और ये राज्य ने सबके लिए एक न्याय किया है। जैसे जिसमें वाणी नहीं उतरी थी, आप सोचिए श्री मेराज के जो बड़े भ्राता थे, उन्होंने बहुत पहले तन छोड़ दिया, और भी कितने सुंदर साथ थे जिन्होंने तन छोड़ दिया होगा। सदगुरु धनी देवचंद जी के चरणों में भी रहे, महामती जी के साथ जो सुंदर साथ जागने लीला में भाग लिया, पद्मावतीपुरी आने से पहले उन्होंने भी कितने तन छोड़ दिया था। किसी को मृगी का रोग लग गया, किसी को कुछ लग गया। छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली हैं कि रात से लेकर क्यामत नामा तक का सारा ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। उस समय तो संसाधन नहीं थे। आप देखिए आज देश विदेश के सुंदर साथ जूम पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और सब तक सीधी बात पहुंच रही है। उस समय बंगला जी दरबार में आप सोचिए पंखे नहीं होते, सुंदर साथ गर्मी में भी कैसे बैठते हैं, कभी किसी ने सोचा है? आज तो कहते हैं कि तप रहा है, एसी लगाओ, ये करो। उस समय किस तरह से घास फूस के छप्पर ही तो होंगे। जब महामती जी के तन विराजमान होकर स्वयं अक्षराती लीला कर रहे होंगे, तो समय के प्रवाह में सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, संसाधन बढ़े, उसमें कितने कष्ट से उदयपुर के ताल पर परमधाम का पट तैयार किया गया था। आज तो सुंदर साथ के पास रंगीन चार कलर में एक से एक सुंदर रंगीन नक्शे प्रस्तुत, पानी की कई कई टीकाएं कई भाषाओं में उपलब्ध। उस समय मुश्किल से किसी को वाणी पढ़ने को मिलती थी, लेकिन आज देखा जाए हम सुंदर साथ के पास वो तड़प नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। उस समय तो 5000 सुंदर साथ ने घर द्वार सब छोड़कर श्री जी के साथ अपना जीवन सौंप दिया कि हमें चाहे भूखो रहना पड़े, चाहे जो भी कष्ट हो, हम राज्य के लिए। आज तो सुंदर साथ किसी को कोई सेवा के लिए बुलाइए तो कितने रोग आकर के आता है। सरसा में 7 दिन का कार्यक्रम यदि हो तो कहते हैं कि 7 दिन का बहुत हो गया, 3 दिन का होना चाहिए। कोई कहता है इतना समय क्यों बर्बाद हो रहा है, हर भी घर में रहना चाहिए, कोई त्याग करने के लिए नहीं आया। तो सोचिए हमारे पास आज संसाधन है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये हमारी कमियां हैं। जब हमारे पास मूल तत्व यही नहीं रहे, आप अपने घर में 10 कुंटल चावल रख लीजिए, 2 कुंटल दाल रखिए, बनाने का ढंग ही नहीं आता है तो वो तो रखे रखे उसमें कीड़े ही पड़ जाएंगे, भूखो ही रहना पड़ेगा। वैसे ही है आज हमारे पास संसाधन है, साहित्य है, एक से एक सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन यदि हमारे पास श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं, चितवनी के लिए ललक नहीं है, तो हम राज्य से कोसों दूर रहते हैं, राज्य का प्रेम भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें स्वयं दोषी है और न्याय के सिद्धांत अनुसार हमें क्षमा पाने का भी कोई हक नहीं है, मांगने का भी हक नहीं है। क्योंकि आज सोचिए आज से 250 साल पहले कितने कष्टों से सुंदर साथ को वाणी की चर्चा सुनने को मिलती थी। आज ज्ञानपीठ के यूट्यूब पर कम से कम 900 घंटों से अधिक की चर्चा, देश विदेश में बैठा हुआ सुंदर साथ कभी भी सुन सकता है। चितवनी के लिए सरल से सरल तरीका बनाकर प्रस्तुत किया। और आपको मैं बता दूं कि युगलदास जी की बड़ी ग्रंथ का आधुनिक भाषा में हिंदी रूपांतरण हो रहा है और आगामी वार्षिकोत्सव में राज जी की कृपा से उपलब्ध हो जाएगा। उसकी भाषा सरल कर दी जा रही है ताकि किसी भी तरह से सुंदर साथ परम धाम की शोभा। जब पन्ना जी में लीला चल रही थी उस समय तो इतने संसाधन नहीं थे,
कागज भी हाथ से तैयार किया जाता था। उस समय के जो कागज मिलते हैं बहुत मोटे मोटे, कितने कष्टों से उस पर कलम से लिखा जाता है। और आज सोचिए, आज तो एक से एक ऑटोमेटिक मशीन है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो हृदय की, हम उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है कि छठे दिन की लीला में इतने संसाधन होने के बाद भी जो हमसे गुनाह हो रहा है, पर हमें पर आपने जानने के बाद हम क्या उत्तर देंगे, हमें पहले से इसकी तैयारी करें। ये तो अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में जो गृहस्थ में जीवन में रहने वाले सुंदर साथी हैं, उनको प्रतिदिन यह प्रयास करना चाहिए कि एक घंटा तो चितवनी के लिए निकालना ही चाहिए। रात्रि को सोने से पहले यदि थके भी हों तो 10 मिनट ध्यान करके ही सोइए, तो राज्य का दिल, राज्य के भावों को अपने दिल में बसा करके सोइए, ताकि संसार की कोई माया सोते समय सपने के रूप में। दूसरी सवेरे उठने के बाद प्रयास कीजिए, पहला कार्य हो कि एक घंटा ध्यान कीजिए, उसके पश्चात नहा धोकर के आप वाणी पढ़िए, एक घंटा वाणी एक घंटा चित्त, ये अनिवार्य कर सकते हैं। जो सुंदर साथ दोपहर को भोजन बनाते हैं बच्चों से, या और जिनका मन चंचल है, जो चितवनी में नहीं बैठ पाए, वो दोपहर को भूख लगा लिया करें। हाँ, जो सवेरे सवेरे सेवा पूजा में एक एक घंटा लगाते हैं, उसमें मैं कहूँगा कि जरूर कटौती करें, 15 मिनट में सेवा कर लें, आरती करते और 45 मिनट चितवनी के लिए वाणी पढ़ने के लिए, क्योंकि यदि हम आज वाणी समझने लगे हैं, एक एक घंटा सवेरे उठापन से लेकर के सारा स्वरूप बोले, परिक्रमा बोले, भोग बोले, ये तो प्राथमिक कक्षा है। जीवन भर एक ही कक्षा में नहीं पढ़ा जाता, एक कक्षा वो आवश्यक होती है। जैसे नर्सरी की कक्षा में हम जाते हैं, पहली से पांचवी तक प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम 10 साल तक प्राथमिक कक्षा में ही रहेंगे? हमारी उम्र जब 18-20 की हो जाए, 25 की हो जाए, तो उस समय तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम एमए करें, पीएचडी करें। वैसे ही छोटे बच्चों से सेवा पूजा करवाएं ताकि उनके अंदर भाव बने, और जिनकी उम्र 15 से ऊपर हो गई है, वो सेवा पूजा कम करते जाएं, चितवनी की तरफ और वाणी के चिंतन की तरफ मुड़े तो ज्यादा अच्छा है। और जहाँ संभव है, हम कहीं भी भोजन करें तो राज्य को याद करके भोजन करें, तभी वो भोजन में सात्विकता भी आएगी, मन भी पवित्र रहेगा। सेवा पूजा केवल ऐसा नहीं कि स्वरूप साहब के सामने बैठकर ही होगी, घर पर ही होगी, अब बाहर भी कहीं रहे तो उठते बैठते सोते जागते कुछ भी भोजन कीजिए तो अपने प्राणेश्वर को करा करके कीजिए, वही आपका सच्चा भोग है। जरूरत नहीं कि हम परिक्रमा में जोर जोर से नाचे कूदे तभी हम राज्य के प्रेमी कहलाएंगे, ये तो मात्र इंद्रियों से होने वाला कर्मकांड है। इश्क बंदगी अल्लाह की बोध है, जो हज बंदगी जाए सो लिखी हद से दो। तो समाज में तो केवल फर्ज बंदगी ही सिखाई जाती है, इश्क बंदी अल्लाह की बोध है जो प्रेम में चितवनी का मार्ग है, जिसके द्वारा उठते बैठते सुबह सो जागृत दम छोड़े मासू चाकिया। उठते बैठते सोते जागते हम अपने प्राणेश्वर को न भूलें। देखा जाए मीरा ने कितनी बार मालाएं फेरी होंगी, संभव है रविदास जी ने कोई मंत्र भी दिया हो, लेकिन मीरा को कहीं नहीं देखा जाता है कि माला पर जपा, मीरा प्रेम में डूबी। हम उदाहरण दे सकते हैं कि मीरा नाचती थी तो हमें नाचने से क्यों मना किया जाता है? मीरा तो संसार को भूल करके नाचती थी, शरीर को भूल करके नाचती थी। आजकल तो राज्य के नाम पर जो नृत्य होता है वो फिल्मों की एक्टिंग की नकल की जाती है, जैसे पिक्चरों में लोग, मुझे पिक्चरों का अनुभव तो नहीं है लेकिन दूसरों के सुन करके मैं कहता हूँ कि वैसा जो एक्टिंग करते हैं वो पिक्चरों की नकल होती है और भद्दे तरीके से नाचते हैं, मनोरंजन के लिए नृत्य होता है, राज्य को रिझाने के लिए नहीं, और झुंड खड़े हो जाते हैं। आज जागने के ब्रह्मांड में यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, हम केवल कर्मकांड थोपेंगे। कहा जाता है कि केवल प्रणाम कर लोगे तो परमधाम मिल जाएगा, और ये कहने वाले चितवनी का विरोध करते हैं। घूम फिर करके शरीयत को मानने वाले चितवनी के विरोध में उतर आए, उनको चितवनी अच्छी नहीं लगती, उनको अपनी शरीयत थोपना अच्छा लगता है कि इतना माला का जप करना है, इतना पाठ कर लेना है, इतनी परिक्रमा कर लेनी है। अरे भाई आप कीजिए,
लेकिन सारे सुंदर साथ को इसी नर्सरी की क्लास में कब तक रखें? इसलिए आज वाणी फैल रही है, सुंदर साथ को चाहिए कि वाणी के ज्ञान को फैलाएं, चितवनी को फैलाएं, और जिसने प्रेम का मार्ग चुना है पंथ हुए कोटकला प्रेम पहुंचाएंगे। राजी हमसे प्रेम केवल मांगते हैं, हमने दुनिया वालों की तरह मंत्र जपना शुरू कर, दुनिया वालों की तरह पूजा पाठ परिक्रमा कर लिए, तो संसार पहले से कर रहा है। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं की पूजा पाठ, आर्य समाज में जो हवन किया जाता है वो परमात्मा को सच्चिदानंद अक्षरातीत और अक्षर की हवन की सामग्री के उन्हीं के नाम पर डाली। किसी देवी देवता की पूजा वेद के विद्वान नहीं करते, लेकिन क्या हवन करने से किसी को साक्षात्कार हुआ? उसको तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा। गायत्री मंत्र में भी कहा गया है, तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, उस परमात्मा की तेजोमय स्वरूप को धारण कर, धारणा से ध्यान होगा, ध्यान से समाधि होगी, उसे साक्षात्कार होगा। वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि माला लेकर के बैठ जाओ और सुमेर में से जप किया करो। कर्मकांड वाले माला घुमाते फिरते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ये तो बच्चों का काम है, ये खिलौना है। इस पर आपत्ति की जाती है कि बड़े बड़े परमहंस भी हाथ में माला लेकर रखते थे, आप क्यों विरोध कर रहे? परमहंसों की हमें उतनी नकल करनी चाहिए जितना हमारे लिए संभव है। हम माला तो उनकी देखा देखी कर लेते हैं, लेकिन परमहंस रात के अंधेरे में जो कई कई घंटे ध्यान करते हैं उसको हम ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। परमहंसों की रात्रि जागने में बीत जाती है, इसलिए कहमत तमा में क्या कहे, रातों पर जागना है। छत्रसाल जी कहते हैं, मैं इन पाक बंदे की जाऊं बलियार, जो रात्रि को अपने प्राणेश्वर को हृदय में बसाते हैं उन ब्रह्मात्माओं पर मैं समर्पित हूं। ये महाराजा छत्रसाल जी। तो आप सोचिए, हमारा मार्ग तो अनन्य प्रेम का है। हम इस संसार में इसलिए नहीं आए कि दुनिया वालों को देखा देखी हम भी पुरस्करण किया करें, 1,00,000, 1 करोड़ तार्पण का पाठ करें। आप कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यह तो समझिए कि आपको परम धाम का ज्ञान मिला, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक में पीछे फेरें जो इसका मुझे। तो वाणी का तारतम ज्ञान खिलवत क्या कह रही है, परिक्रमा क्या कह रही है, सागर और श्रृंगार क्या कह रही है। यदि इन 4 किताबों में ये सब लिखा हो कि ये पाठ करो, ये पूजा करो, ये परिक्रमा करो, ये सारे कर्मकांड के मार्ग अपनाओ, तो आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि नहीं लिखा है तो आपको वही करना चाहिए जो वाणी, जो समाज कर रहा है वो करने की आवश्यकता नहीं। उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय इतना ज्ञान नहीं फैला था, सुंदर साहब को वाणी पढ़ने को नहीं मिलती थी, इसलिए कहा जाता था कि भाई 5 बार उठते उठते तारतम पढ़ लो, ये सेवा पूजा कर लो। क्योंकि आज से कम से कम 70-80 वर्ष पहले देखा जाए, 71 से पहले 30 और ये 22-55 साल पहले वाणी छपी रूप में बहुत कम थी, नाम मात्र थी। 71 में छपी, सरकार से ने छपाई, 73 में उसके पहले बिमला मेहता जी ने कुछ छपाया था, इलाहाबाद से छपी थी, इसके पहले वाणी कभी छपी ही नहीं। हस्तलिखित होती थी, एक नगर में किसी एक मंदिर में रहती थी, और विशिष्ट व्यक्तियों को ही पढ़ने का अधिकार था, सामान्य सुंदर सा पढ़ नहीं सकता। आज घर घर में वाणी, इससे समय के अनुसार अपनी क्रिया पद्धति बदलनी चाहिए। आज समय है कि सुंदर सा चितवनी में डूबे, संसार विनाश के कगार पर खड़ा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए आज कर्मकांड का युग नहीं है। सबको अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, और अक्षरातीत को पाना हमारा प्राथमिक अधिकार। हम राज्य से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है, उनका दर्शन, उनसे प्रेम, उनसे बातें करना हमारा नैतिक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, और उसको पाने के लिए हमें त्याग करने के लिए तत्पर होना है। हम इसी प्रकार सुंदर साथ अपनी दिनचर्या में इस तरह से बनाए, अपने आप स्वयं निर्णय करें कि हमें 1 घंटा किसी भी तरह से चितवनी करनी ही है, 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे वाणी का चिंतन करना ही है, पाठ नहीं चिंतन। आप 1 घंटे में 500 नहीं 1,000 चौपाइयां पढ़ें, इससे अच्छा है कि आप 100 चौपाइयां ही पढ़िए, 1 घंटे में 50 पढ़िए, लेकिन अर्थ समझ करके पढ़िए कि वाणी हमें आदेश क्या दे रहा है। यदि प्रतिदिन आप 50 चौपाइयों का चिंतन भी पढ़ जाते हैं, मैं कहता हूँ 10 चौपाइयां भी 1 घंटे में अर्थ सहित पढ़ जाते हैं, 20 भी पढ़ जाते हैं, तो समझिए 1 महीने में आप 600 चौपाइयों का चिंतन कर लेते हैं, और कुछ समय में पूरी वाणी का चिंतन आपके पास हो जाए। यदि प्रतिदिन आप 1 घंटे चितवनी करते हैं तो 365 घंटे की चितवनी 1 वर्ष में होती है, 10 सालों में
3650 घंटे की अवधि पूरी कर ली थी। तो आप सोचिए, कई महीने किसी जंगल में रहकर साधना करने की तरह आप घर बैठे एक घंटा ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा कितनी उन्नति पर पहुंचेगी, इसका सही आकलन कर सकते हैं। लेकिन इसमें नियमितता लानी होगी। जैसे नियमित रूप से आप भोजन करते हैं, जल पीते हैं, निद्रा लेते हैं, जब शरीर को इतना करते हैं तो अपनी आत्मा के लिए हर सुंदर साथ 2 घंटे तो समय औसत। किसी कारण से बहुत व्यस्तता है क्योंकि सारे ब्रह्मांड का बोझ आपके ऊपर है, आप कह सकते हैं कि मेरे ऊपर इतना बोझ है कि समय ही नहीं मिल सकता, तो आधे घंटे तो वाणी पढ़ने के लिए, आधे घंटे चितवन के लिए देना ही पड़ेगा, इससे कम में समझौता। यदि आप प्राजी के लिए 1 घंटे भी नहीं दे सकते तो आशा मत कीजिए कि आपकी आत्मा जाएगी। जो प्रथम श्रेणी में रहना चाहते हैं उनको 3 घंटे चितवन के लिए, 2-3 घंटे अध्ययन के लिए, 5 घंटे देना पड़ेगा। जो मध्यम स्तर में रहना चाहते हैं उनको 1 घंटे चितवनी, 1 घंटा वाणी का अध्ययन देना पड़ेगा, 2 घंटा तो देना पड़ेगा। 8 घंटे धन के लिए कमाने के लिए देते हैं, 2 घंटे परिवार के लिए देते हैं तो राज्य के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते। यदि आप इतना भी देने को तैयार नहीं है तो राज्य का प्रेमी कहलाने की बात छोड़। मार्फत की अवस्था प्राप्त करने के लिए परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की तरह साधना करनी होती है। उस समय पूरे समाज में अकेले वे ही केवल मार्फत की अवस्था में थे, और जहां तक मैं सोचता हूँ ये सरल कार्य नहीं है, कोई इस मंजिल तक पहुंचता है। उस समय भी बहुत कई परमहंस थे लेकिन कोई मार्फत तक नहीं पहुंचा। मार्फत का तात्पर्य यह होता है कि उसमें और राज्य में भेद नहीं रह गया, मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा। उसमें अपनी हड्डियां गलानी होती है और जहां तक मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मंजिल है। सुंदर साथ हकीकत में पहुंच जाए यही उसके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। अब मैं नाम लेकर परमहंसु कर रहा हूँ तो ये उचित नहीं होगा। इतना मैं संकेत करता हूँ कि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी के समय जो भी परमहंस थे कहीं ना कहीं वो हकीकत की अवस्था में, मार्फत में पहुंची हुई परमात्मा अपने संकल्प मात्र से किसी को भी परम धाम का राज्य का दर्शन करा सकते। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिए भी एक नियम होता है, उन्हें भी मनमाना करने का अधिकार नहीं होता। देवचंद जी चाहकर भी बिहारी जी को नहीं करा सकते थे क्योंकि बिहारी जी को पात्रता नहीं थी। उसी तरह से नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होता। यदि हमें मार्फत, आप सोचिए परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की दिनचर्या कैसी थी। जब उन्होंने अपने धाम हृदय में 40 साल से भी कम अवस्था में अपने प्राणेश्वर अक्षर अतीत को बसा लिया था, उसके बाद भी पूरी पूरी रात बैठे ही बैठे उनका सारा जीवन गुजरा। उनको नहीं पता कि भोजन का स्वाद क्या होता है, उनको नहीं पता कि निद्रा का स्वाद क्या होता है। इतनी शक्तियों के होने के बावजूद भी वो पैदल चलते थे, बैलगाड़ी पर बैठते थे, सबके पांव छूते थे। क्या इस अवस्था में पहुंचने के लिए हम तैयार हैं? इतना त्याग करने के लिए हमें तैयार है? मुझे तो नहीं लगता कि सुंदर सा इतनी कुर्बानी करने के लिए। इसलिए हमें मार्फत की तरफ नहीं, अभी हमें हकीकत की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहिए। मार्फत मूल स्वरूप जिसके ऊपर विशेष कृपा करेंगे उसको मार्फत में प्रवेश करने की योग्यता, ये सबके लिए संभव। दर्पण के साथ दर्पण में अपना चेहरा जब देखने की कोशिश करते हैं, आपके घर का कोई शरारती बच्चा उसको कागज रख देता है, आप जला देते हैं कि कागज हटाओ मुझे देखना है, फिर वो रख देता है। या टीवी में जब कोई दृश्य आप देखने का प्रयास करते हैं तुरंत लाइन कट जाती है, तो क्या होता है? आपको व्यवधान होता है। उसी तरह से हमारा मन जब रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित रहता है तो हमारी बुद्धि तो तब भी काम करती है, सतोगुण की अवस्था में भी, रजोगुण में भी और तमोगुण। तो जो रज और तम में, जब तमोगुण की अवस्था में हमारी बुद्धि काम कर रही होती है तो हम चर्चनी की सारी चीजें याद तो करते रहते हैं, खूब लड़ते झगड़ते रहते हैं कि तुम्हारा कहना गलत है मेरा कहना गलत है। रजोगुण की अवस्था में आम होता है कि मेरे जैसा चर्चनी जाने वाला कोई नहीं। जब सतोगुण में आ जाते हैं तो मस्तिष्क तब भी काम कर रहा है लेकिन भाव क्या बदलता है? भाव ये होता है कि नहीं, चर्चनी का ज्ञान एक सागर है, मुझे कुछ मिला। लेकिन जब त्रिगुणातीत अवस्था में जब हम आते हैं तो
सारी ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का सारा पिटारा बंद हो गया। उसमें हृदय से जो आवाज आती है कि नहीं ऐसा है ऐसा है, तो कई चीजें जो मस्तिष्क में आई नहीं होती वो प्रेम की अवस्था में अपने आप दिखने लगे। अभी जो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण की अवस्था में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो पल भर के लिए जब रजोगुण तमोगुण हट जाते हैं, हट के बिल्कुल न्यून से हो जाते हैं, तो ये एक सतोगुण के प्रभाव में हृदय जो ज्ञान को ग्रहण किया होता है वैसे स्वरूप की एक झलक का आभास होता है। तो हम सोचते हैं कि ये तुरंत हमें दर्शन हो गया, हो जाएगा, कोई दूर नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा के ध्यान होने में सारा परम बसता है। उस पर जो आवरण पड़ा हुआ है माया का, उस माया के पर्दे को हटाना होता है। हम थोड़ा हटा देते हैं फिर पर्दा कर देते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण का जो बंधन है हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और जब इससे हटने के लिए मैं सुंदर साथ को कहता हूँ कि सुंदर साथ जी अपने आहार को सात्विक बनाइए, तो मैं समझता हूँ मेरी बात को बहुत कम माना जाता है। मैं कम से कम 15 साल 18 सालों से शोर मचा रहा हूँ कि सुंदर साथ जी अपने भोजन में सुधार कीजिए। गुजरात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत कम, कुछ प्रतिशत लोग सुंदर साथ ने माना है। अभी भी खूब मिर्चे खाते हैं, खूब लहसुन प्याज खाते हैं, मेरे से छिप छिप कर भी मेरे नजदीकी लोग भी खाते हैं, अचार खाते हैं, वो रही नहीं सकते। उनके लिए राज्य बड़े नहीं, जीवा का स्वाद बड़ा होता है। तो रजोगुण तमोगुण तो अंदर जाएंगे, फिर जब वो चर्चनी पड़े हैं चाहे चितवनी करें मन तो भागता रहेगा, और इसमें मैं क्या कर सकता। जो सृष्टि का सिद्धांत है वो तो राज्य न्यायाधीश है तो सबके लिए करेंगे, चाहे जीव सृष्टि हो चाहे ब्रह्म सृष्टि हो। इसलिए परमहंसों ने अपनी तृष्णाओं को अपने से किनारे किया, तभी तो कहा है कि तुम सियाने मेरे साथ जी जिन रहो बिखे रसलात, पांव पकड़ के इंद्राव दी उठ खड़े रहो। मीराज को क्या हो सकता थी पैसे भर अन्न खाने के। ये अल्पाहार क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी तरह से मन रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर सतोगुण में जाए और सतोगुण को भी छोड़कर विशुद्ध प्रेम भाव में डूबे। आप सोचिए यदि हम खूब मिर्च डालकर लहसुन डालकर प्याज डालकर खूब चटनी बनाए और उसको खा लें और आंख लगाकर बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठे तो रहेंगे, ध्यान कहाँ लगेगा। तो यदि हमें प्रेम की गहराई में डूबना है, चितवनी का आनंद लेना है, तो सात्विक आहार पहले हमारी प्राथमिकता है। इसके पहले यदि हम ऐसा नहीं सुधार करते तो ज्ञान चर्चा में हम डूबे रहेंगे, चर्चनी पूरी रट सकते हैं, पूरी परिक्रमा, पूरा सागर, पूरा श्रृंगार, एक एक चौपाई से हम याद कर लेंगे, व्याख्या भी कर सकते हैं, अच्छी शैली में प्रस्तुत करके हम यश भी बटोर सकते हैं, सुंदर साथ वाह वाह कहे वाह। लेकिन हमारी आत्मा तक वो स्वरूप नहीं चले, हमारे सतोगुण, उसके लिए प्रेम में आना ही पड़ेगा। उस प्रेम के लिए रजोगुण तमोगुण सबसे बड़ी बात है। तमोगुणी व्यक्ति प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता, रजोगुणी व्यक्ति भी नहीं होता, क्योंकि आसक्ति में फंस जाता है। सतोगुणी व्यक्ति में ज्ञान प्रकट होता है, उसका हृदय प्रेम के लिए कोमल हो जाता है। अब तब राज्य की कृपा से मांसूक हंसकर तब मिले जब हके दिया। इस प्रेम कब आएगा, जब हमारे अंदर निर्विकारता है। निर्विकारता के लिए शुद्ध होना जरूरी, बचने का मस काटिए राखिए नहीं रजमार, जो भाई सर्वे जीतिए तरे थे प्रेम। नहीं से तो कुछ बोला, पहले सुंदर साथ चर्चनी में नहीं डूब पाते थे, अब ज्ञानपीठ की तरफ से प्रयास किया गया कि चर्चनी सबके लिए सरल हो जाए, नक्शे बने और जूम के माध्यम से आज बच्चा बच्चा चर्चनी को समझ रहा है। लेकिन ये तो कोई ज्ञान दृष्टि ग्रहण है। यदि हम अपने अंदर श्रद्धा समर्पण नहीं लाएंगे, प्रेम नहीं लाएंगे, प्रेम की दृष्टि खोलनी जरूरी है। हम ज्ञान की दृष्टि से तो विशेषज्ञ बन गए, सागर के श्रृंगार के परिक्रमा की एक एक गली गली में हम घूमते हैं, कितनी मेहराबे हैं, कितने कुंड हैं, कितने दरवाजे हैं, सब हमने गिन रखे हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं होता, हृदय कोमल नहीं, तब तक हमारे हृदय में राज्य के चरण कमल की सुमन कहां से आ सकती, क्योंकि हमारा चंचल चित उसे बाहर कर। थोड़ी देर के लिए यदि ज्ञान में डूबते डूबते मन शांत होता है तो राज्य एक झलक दिखा देती है, लेकिन हमें उससे संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है, विशेषकर बहनों को, क्योंकि उनको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर वहीं शांत हो जाती है, क्योंकि 10 को बता देती है, झिठोरा पिटने लगती है और उनके साथ एक मंडली खड़ी हो जाती है कि देखिए
इनके अंदर अच्छे बैठे हैं। तो अध्यात्म में हम जितनी मंजिल तय करें, सोचे कि अभी हम हमारी मंजिल और आगे, क्योंकि राज्य को हृदय में बसाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक झलक मिले अनुभव को सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मान लेना चाहिए। जब तक हमारा हृदय राज्य के हृदय में नहीं जाए, उनका नक्श सिख तक श्रृंगार बसना चाहिए, तब तक मंजिल को हमें अधूरा ही होना चाहिए और इसमें निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। ऐसा है कि उस तन से लीला करवानी थी। देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा है, उस तन से तारतम ज्ञान का अवतरण कराना है। मूल स्वरूप ने दिल में लिया है कि इस तन को इस योग्य बनाना है। जाको ले तह मेहर में तह पहले मेरे बनावे बचू गुण अंगिद्री मेहर के रूम मेहर फकत मेहर। देखिए, लालदास जी से सेवा लेनी है तो लालदास जी के व्यक्तित्व को उस सांचे में ढाला। छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है, उनको उस व्यक्तित्व में डाला गया। मीराज के तन में विराजमान होना है, महामती की शोभा देनी है, परम धाम की वाणी का अवतरण करना है, उनको हमसे में भेजना अनिवार्य था। उसी तरह से श्री देवचंद जी से खोज करवाई जा रही है। जब बारात के पीछे चलते हैं तो उनकी विरह और तड़प की भावना देखकर राज जी ने दर्शन दे दिया, लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है अभी उनके हृदय में, जीव के हृदय में। आत्मा तो दृष्टा होकर देख रही, आत्मा के अंदर कभी अज्ञानता नहीं है। हाँ, इस संसार में हम कह सकते हैं कि आत्मा तो अंधेर में सो गुनगुना बल हो। आत्मा जब परात्म के स्वरूप में होती है, यानी परात्म की नजर जब इस खेल में आती है तो आत्मा कहलाती है। जब वो परात्म में चली जाएगी तो परात्म की दृष्टि तो वो सब कुछ जानती है। परात्म के अंदर जो कुछ है आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्मा को बोध इसलिए नहीं है कि वह अपने को नहीं जानती, अपने स्वरूप को नहीं जानती, अपने मूल घर को नहीं जानती। वो जीव के तन पर बैठ और जीव वहां को पाती, जीव के सुख दुख को वो अपना सुख दुख मान रही है, यही से भ्रांति होती है। इसलिए देवचंद जी को यह पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा का मूल घर कहाँ है, मेरे प्रीतम कहाँ है, लेकिन मूल संबंध के कारण उनके अंदर तड़प होती है। तो उस तड़प के कारण राजी उनको बरा के पीछे पीछे जाते समय दर्शन देते हैं। दूसरी बार जब चितवनी में राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे होते हैं तो उस चितवनी में उनकी सुप्ता अखंड ब्रज में पहुंच जाती है और उसके अनुसार दर्शन। तीसरी बार राजी उन्हें स्वयं आकर के दर्शन देते हैं जब कथा श्रवण करते हैं। तो ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि आज भी हम भागवत की कथा सुनेंगे तो हमें दर्शन हो जाएंगे। यदि भागवत के लिखने वाले को दर्शन नहीं हो सकता, सुनाने वाले कांजी भट्ट को नहीं हो सकता, तो आज सुनने वालों को कहां से हो जाएगा। ये कोई नहीं सोचता था कि देवचंद जी के उस दर्शन के पीछे पहला कारण था मूल संबंध, दूसरा कारण है देवचंद जी ने घर पर आराम का जीवन नहीं जिया। जब से हरदास जी के पास थे 12 बजे से पहले वो सोते नहीं थे, किसी न किसी रूप में चितवनी में सेवा में लगे रहते। आज हम सुंदर साहब कुछ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि एक बार की भागवत की सप्ताह में बैठ जाए कथा सुन ले तो हमको भी वैसे ही दर्शन दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। भागवत सुनने से राज्य का दर्शन न हुआ है न कभी होगा। वो तो देवचंद जी के तन से वैसी लीला करवानी थी, उनको पहचान देनी थी, इसलिए श्याम जी के मंदिर में दर्शन। अब हकीलम से होते अर्श भगत, अब चितवन से कहता हूँ जो देव सही देखो, राज्य को देखना है तो चितवनी में डूबना पड़ेगा, ये हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। तो देवचंद जी को जो भी दर्शन मिला है वो मूल स्वरूप की अपनी इच्छा से कर पिया की अति प्रसन्न तीन वेद दिए दर्शन का तात्पर्य ये है कि राज जी को पाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया। जब कुछ पता नहीं था तो आप सोचिए, एक 16 साल का बालक बिना पते के इस तड़प में चल जाए कि मैं कहीं से भी तो परमात्मा के बारे में जानूं, तो आखिर उसकी तड़प का महत्व। उसी तरह से जब वो चितवनी में डूबे रहते हैं तो अखंड ब्रज में उनका ध्यान पहुंचता है। ये हम सुंदर साथ के लिए शिक्षा है कि उस समय उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। हमको कहा जाता है कि 40 साल से पहले दर्शन नहीं हो सकता, मैं इस बात को मानता नहीं। देवचंद जी को पहले ही बार दर्शन होता है 16 साल की अवस्था में तड़प के कारण, दूसरी बार दर्शन होता है 26 साल की अवस्था। और आप सोचिए,
मिराज भी जब 25 साल के हो जाते हैं तब उनके अंदर वो तड़प जगती है कि सद्गुरु महाराज परमधाम का वर्णन करते हैं, मैं क्यों? तो 25 वर्ष की अवस्था में मिराज ने अपने शरीर को सुखा दिया, पैसे भर अन्न का आहार किया। आज हम सुंदर साथ बड़े तो क्या, हम अपने बच्चे को चितवनी में लगने नहीं दे रहे। मिराज चितवनी करते हैं 25 वर्ष की उम्र में, देवचंद जी 26 वर्ष की उम्र में दर्शन करते हैं। मिराज के लिए कहा जाता है कि अपना आपा देखिया किया आधार को लगता। जो इन दोनों स्वरूपों को हादी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिदायत करने का। देवचंद जी और मिराज के तन से राजी ने लीला करके दिखा दिया कि राजी को पाना है तो आपको चितवनी करना पड़ेगा। आज हमारे समाज के अगर गृहिणी चितवनी को पूरी तरह से ढक देना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि कोई चितवनी में लगे, वाणी के चिंतन में लगे, वो केवल कर्मकांडों में फंसाए रखना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि हमारा हृदय तड़पता है राज्य के लिए तो निश्चित रूप से हमारी तड़प राज्य तक पहुंचती है। ऐसा नहीं कि राज्य कहीं दूर बैठे, हक नजीक से रग से और वो प्राण की नली से भी निकट, लेकिन निकट होते हुए भी वो दूर तब तक है जब तक हमारे हृदय में समर्पण की धारा नहीं बहती, प्रेम और ईमान की धारा नहीं बहती। हमारा हृदय यदि शुष्क रहता है तो राज्य के चरण कमल कहाँ से पड़ेंगे, हमारी आंखें कहाँ से देख पाएंगे? देखने के लिए तो प्रेम चाहिए, तभी तो कहते हैं कि लाओ प्यार करो दीदार। हम प्रेम भरना नहीं चाहते, हम संसार की तृष्णाओं के पीछे रहते हैं। हमारा प्रेम तो एक बाजारू चीज बन गया है। हम पाठ रखवाते हैं उसमें भी पैसा, और पाठ रखते भी हैं माया की इच्छाओं की पूरी के लिए कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, बेटे का बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारी कोठी बन जाए। तो ये कोई प्रेम नहीं, ये तो सौदेबाजी। भी चावे जावे सौदागर वास्ते पानी भर। इससे जब हम विशुद्ध प्रेम करें जिसमें राज्य के दीदार के सिवा कोई चाहत ना चाहूं मैं गुजर के, ना चाहूं कि ना ये स्थिति बन जाए, तब राज्य हमारे से एक पल भी दूर न तो कभी थे, न है, न कभी होंगे, क्योंकि हमको खेल देखामन का आज हम सुमा को आए श्री राज्य के नजर जब तक नहीं आएगी, राज्य का आवेश सब क्या है बिना ब्रह्म सृष्टि के सुखता इस संसार में आ ही नहीं सकती। राज्य का आवेश स्वरूप आया तो ब्रह्म सृष्टियों ने इस माया के खेल को देखा, नहीं तो कभी नहीं देख सकते। उनकी नजर राज्य के अतिरिक्त किसी को देखना ही नहीं चाहती, ये तो उन भुलैया हो गई। वहां भी आंखें खोले बैठे हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम संसार को देखें, तो राज्य उनकी इच्छा पूरी करने के लिए संसार को उनको दिखा रहे हैं, लेकिन इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे। वो मेहर का सागर अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सुंदर साथ समझता ही नहीं। मैंने उस दिन कहा था कि मेहर का सागर कहाँ है। यदि उस जो चर्चा उस दिन मैंने की थी, जो एक हफ्ते का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि सुंदर साहब इसके के भी सागर और मेहर के भी सागर, तो हमें सागर ग्रंथ से, निस्बत के सागर से और मेहर सागर से यदि हमें अपनी पहचान हो जाए तो शायद बहुत कुछ बात बन जाएगी। लेकिन सुंदर साहब वाणी के कथनों को प्राथमिकता नहीं देता, उस समाज के और व्यक्ति विशेष के कथनों को प्राथमिकता देता है। वाणी का कथन अक्षरातीत कथन है, उसे ही मानना चाहिए। मैं या कोई भी व्यक्ति यदि वाणी के विपरीत बोलता है तो उसके कथन को नहीं मानना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, क्यों ना। इसलिए यदि हम वाणी के कथनों को अंगीकार करके उस पर चलेंगे, चिंतन करेंगे, चितवनी करेंगे, तो हमारे लिए परम धाम कहीं दूर नहीं है। राज्य हमसे एक पल भी दूर नहीं थे, और हमारे और राज्य के बीच में सुई की नोक तो क्या, सुई की नोक का करोड़ों अंश भी दूरी नहीं रखता, लेकिन कमी हमारे अंदर है कि जैसे मछली जल के अंदर रहे और प्यासी। इसलिए कबीर जी ने कहा जल बीच नींद प्यासी। मछली जल में रहती है और प्यासे तड़प रहे। हम भी शहर से नजदीक अपने प्राणी सुख कहते हैं कि राज्य आते नहीं, तो हमें दिखते नहीं, क्योंकि हमारी सुखता संसार में भटक रही है। पिंड और ब्रह्मांड से परे हुए बिना उस रज को नहीं होता है। देखिये
बेन सुनकर चले कुमार भवसागर यो उत्तरी पर इनकी सूरत मिली सब सखियों माने मोल अंगे आगे धाम ब्रह्मात्माओं ने जो इस संसार को छोड़ा तो ये अपने जीव के साथ जो महाराज हुए उसमें एक एक तन में बैठ गए। कुमारिकाएं 24 हैं। कुमारिकाएं उन राज के तन में बैठकर राज की लीला को देखी। कुमारिकाएं जिन जीवों पर बैठी थी वो जीव ब्रज लीला में चले गए, क्योंकि महाराज के समय कुमारिकाओं ने अपने जीव को छोड़ दिया और क्योंकि उन्होंने तन पकड़ लिया उस तन को जिसमें ब्रह्मशिष्टियों ने बैठक कर राज की लीला करनी थी, इसलिए अब उन्हें किसी जीव की आवश्यकता नहीं रही। इसकी साक्षी यह है कि कुमारिकाओं ने व्रत किया, स्नान किया कि हमारे साथ लीला हो। यो व्रत करके मिली संस्याम जो चौपाई आती है, क्यों व्रत करने के कारण उनको यह वरदान मिला कि तुम्हारे साथ लीला होगी, तो वो लीला कुमारिकाओं के जीवों के साथ होगी जो सब योग माया के ब्रह्मांड में पांचवी भैंस जिसमें अखंड ब्रज है सबली के कारण है, उसमें कुमारिकाओं के जीव है, कुमारिकाएं नहीं है। कुमारिकाएं तो इस जागनी ब्रह्मांड में आई है। रास खेल के आए घर उम्मीदा नमिया पूरम धाक मन में रही तब से हमारे जी को धनिए हुकुमाई से की उसे। जब तक खेल खत्म नहीं हुआ रास के पश्चात ब्रह्मात्माओं की सुधा अपने पराक्रम के तम और इस खेल में आने से पहले 1638 से पहले कुमारिकाएं अपनी सूता के साथ राज के तनों में रहे और जैसे ही ब्रह्मांड बना इस ब्रह्मांड में कुमारिकाएं पुनः नए जीवों को धारण करके आ गई और जो 7 दिन गोकुल में 4 दिन मथुरा में जो लीला होती है इसमें वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण किया और कुमारिकाओं के 24,000 जो कुमारिकाओं के जीव थे वाणी में प्रकट वाणी में लिखा है। ये तीसरा इंद्र भया जो अब अक्षर की सुरता कसम यही न्याय सूरत की सखियां हुई प्रतिबिंब वेद विचार तो प्रतिबिंब की सखियां इसलिए कहा गया है कि कुमारिकाओं के जीवों ने उन तनों को धारण किया और जो वेदों ने 12,000 ब्रह्मशिष्टियों के स्थान पर 12,000 सखियों का रूप धारण किया तो ऐसा लगा कि पहले ही वाला ही ब्रह्मांड है। इसलिए वाणी में छुपाई आती है कि ये याई बिरा में छोड़े दे सो पहुंची जहां स्वरूप से जो उन्होंने दई मुख पर सिकापन सो मुख पर मारे फेर बचे। तो ये क्या है वेद ऋचाएं 100 साल तक बिरा में तड़प तड़प गए अपने धाम को प्राप्त हो गए और जो वो रास के प्रति जो अव्याकृत में प्रतिबिंबित रास है उसमें चले जाएंगे। जो कुमारिकाओं के जीव हैं वो अपने पुनः मूल स्थान को पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी जो सखियां आई थी वो अखंड की ही मानी जाएंगी क्योंकि जिनको वेद ऋचा करते हैं वो भी अखंड की थी। उनको लीला का रस देकर उन्हें बताना था क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु हमारे साथ लीला क्यों नहीं होगी, क्योंकि सबलिंग के महाकारण में जो रास है केवल ब्रह्म होने वाली रास महाकारण में अखंड हो जाती है। सबलिंग के महाकारण में जो रास है वो अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंबित होती है, अव्याकृत में वेदों का स्थान है। इसलिए वेदों ने कहा कि हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, हम प्रेम की इस लीला को नहीं जानते, आप हमारे साथ प्रेम कीजिए। तो वहाँ रास विहारी श्री कृष्ण ने जो अव्याकृत के महाकारण में स्वरूप लीला करता है उनको वर दिया था कि ब्रह्मांड बनने वाला है उसमें तुम सखी रूप हो जाओ तो इस संसार में जो वेद का ज्ञान है वो तो कागज पर लिखा हुआ है सुनने में आता है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में हर ज्ञान स्वरूप वस्तुवी सब चेतन होती है, पूरा अव्याकृत चेतन है। इसलिए वहाँ जो संकल्प हुआ तो 12,000 सखियों के रूप में वो प्रकट हुए, 24,000 हो 36,000 की संख्या पहले जैसे ब्रह्मांड जैसी हो गई थी। तो अब ये जो अखंड की सुरता है वो गर्भ में तो नहीं आनी चाहिए, पानी में इसका कहीं उत्तर नहीं है कि वेद ऋचाएं गोपियां जो नए तनों में प्रकट हुई 12,000 और 24,000 जो कुमारिकाओं के जीव आए वही गर्भ में गए या किस जीव पर बैठे इसका कहीं सटीक उत्तर नहीं है, ये केवल राज्य जान सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो अखंड में हो जाता है वो अवश्य गर्भ में नहीं जाता, अव्याकृत
या महाशून्य में रहने वाला तो गर्भ में जा सकता है, लेकिन सबलिंग के कारण में जो जीव अखंड हो जाएंगे ऐसा लगता है कि वो उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो मोह सागर में प्रकट होती है वही गर्भ में आते जाते हैं, अखंड की आत्मा गर्भ में नहीं जाती। हो सकता है कि जिन जीवों ने जो तपस्वी जीव रहे होंगे उन पर वेद ऋचाएं और कुमारिकाओं के जीव पीछे से की, क्योंकि अखंड का सुख ये ले चुकी है, ये पुनः इसमें बैठे।